नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडिया में सबसे सिंपल प्राइस एक्शन एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। मुझे एक दो फीडबैक मिले थे कि कई बार सर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कुछ कम समय देते हो और स्टॉक पे कुछ ज़्यादा समय देते हो सके तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ज़्यादा समय दीजिए। नो नीड टू वरी, थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस हम कर सकते हैं। अब एक बात देखो कि आज निफ्टी ने फिर से हाई मारा, 500 के ऊपर चला गया। अब मैं एक बात बोलता हूँ आप लोगों को, सितंबर यहां से चालू होता है, ये 1 आवर का चार्ट है। सितंबर में भी आप मुझे चार्ट देख के बताओ कि आपको कहीं पे मेन कोई स्ट्रक्चरल वीकनेस निफ्टी में दिख रही है। सिंपल क्वेश्चन है मेरा। 1 आवर का चार्ट की मैंने वीडियो भी बनाया था कि 1 आवर की चार्ट का एनालिसिस करना आ जाए तो वो कितना आशीर्वाद है कॉमन ट्रेडर्स के लिए। नहीं दिख रही है। दूसरा, पूरे अगस्त मंथ में तो पता ही है कि निफ्टी ने 1,200 पॉइंट दे दिए थे, तो वो तो मैं अभी एनालिसिस करने नहीं जाऊंगा। बट जब से ये निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की सीरीज चालू की है, मैंने निफ्टी को एनालिसिस करके आप लोगों को हर बार क्या बोला है कि अननेसेसरी शॉर्टिंग करने मत बैठना, अननेसेसरीली आप ऑप्शन में सेलिंग करना मत बैठना, ये कितनी बार बताया। मैं अभी बोलूं, मैं जितना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ ना, भले ये लोग काफी लोग ये सीरीज मेरी फॉलो कर रहे हैं, पर अचानक ही वो लोग शॉर्ट करने लगते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि प्रोबेबिलिटी कहाँ है, आप चार्ट देख के डिसाइड करो। ऐसा मत बोलो कि निफ्टी अभी 400 पे आ गया, 17,400 पे, 300 पे आ गया, तो अब तो उसको नीचे ही जाना है। मुझे ऐसा रीजन, सर अगस्त मंथ में तो निफ्टी ने 1,000 पॉइंट्स दे दिया, तो अभी तो नीचे की साइड ही आएगा ना। मैं बोलूँ कि मैं जो सोशल मीडिया ग्रुप्स फॉलो करता हूँ, कि व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस आते हैं, कि या मैं दूसरी चैनल्स देखता हूँ, जो भी है, मैं हैरान हो जाता हूँ कि आप लोग चार्ट फॉलो क्यों नहीं करते। फिर आपको लगता है कि पैसा कमाना डिफिकल्ट है। नहीं, मेरी ये सीरीज देख लो, मैंने सीरीज के हर एक वीडियो देख लो, मैंने निफ्टी में बोला है क्लियरली कि अगर डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो निफ्टी में बाय एंड डिप्स का ही एटीट्यूड रखो। और निफ्टी में स्ट्रक्चरल वीकनेस अभी भी नहीं दिख रही है, उल्टा मैं अभी बताता हूँ, निफ्टी की यहाँ पे एक चैनल बनी गई है, देखो ये जो है ना, और वो चैनल उसने तोड़ी है, ये वाली, वो चैनल अपसाइड तोड़ी है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और जैसे कि कल करेक्शन आया था, कोई बात नहीं, हमको करेक्शन में नहीं खेलना है, नहीं शॉर्ट करना है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 30 दिन महीने का होते हैं, हमारे पास 22 दिन होते हैं, 22 दिन में से अगर हम 5-6 दिन करेक्शन के ना ना ट्रेड करें, तो खाली खोटा शॉर्ट ना करें, तो जब तक हमें पता नहीं चलता कि निफ्टी बेरिश मोड में है, जब तक हम डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा, समझ रहे हो। तो आज की रणनीति भी सही निकली। अब क्या किया जा सकता है, अब जो यहाँ पे लो था, देखो ये एग्जिट लो था 17,390, 17,300 से ये उसका एक सपोर्ट बनेगा। फिर नीचे की तरफ ये रहा, काफी सारे सपोर्ट है 17,250 के आसपास, वो उसको तोड़ना पड़ेगा। अगर ये तोड़ता है तो यहाँ आएगा और ये तोड़ता है तो यहाँ आएगा, ये मैं काफी दिनों से बोल रहा हूँ। ऊपर का तो आई डोंट नो, मैं काफी दिन से नहीं बोल रहा हूँ, आई डोंट नो कि निफ्टी ऊपर कहाँ जाएगा। और लोग क्या कर रहे हैं बताए, स्पेक्यूलेशन, प्रिडिक्शन, अननेसेसरी एनालिसिस, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, क्या हो रहा है। निफ्टी हर दूसरे तीसरे दिन हाई मार रहा है, और मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर की शायद वी डोंट नो कि क्या उसका टॉप है, वी डोंट नो। हमको चार्ट के साथ ही प्ले करना है, चार्ट के साथ प्ले करो, कौन मना कर रहा है। ओके, अब बात आती है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी मैंने काफी बार बोला हुआ है कि बैंक निफ्टी में कॉशन रखो, ठीक है, ध्यान रखो, पर बैंक निफ्टी में भी मेजर वीकनेस कहीं नहीं दिख रही अपने को। ये मेरे वीडियोस कंफर्म कर लो, वेरीफाई कर लो, मैंने ऐसा बोला था कि मेजर वीकनेस नहीं दिख रही है, इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लाम करो। देखो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि ये एक लेवल है, उसको क्रॉस करना पड़ेगा 36,800 का, उसने आज क्रॉस किया और उसके आसपास ही क्लोज हुआ। अब इसको ये लेवल को ये टिका लेता है ना, तो उसके नीचे नहीं जाता है, 36,800 वाला लेवल, 850 ये वाला लेवल, तो फिर से ऊपर जाएगा। ऊपर जाके एक उसको क्या नड़ेगा फिर से पता है, 37,100 ये लेवल उसको क्रॉस करना पड़ेगा। और नीचे की तरफ तो उसको काफी सारे सपोर्ट मिल रहे हैं, जैसे कि 36,500, 36,300, 36,100, बहुत सारे सपोर्ट है यहाँ पे। जो जो मेजर सपोर्ट को तोड़ता जाएगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट सपोर्ट पे आप आ सकते हो, लेवल वाइज प्ले कर सकते हो। पर यहाँ पे भी मैं एग्रेसिवली पुट, एग्रेसिवली शॉर्टिंग, ये मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना ज्यादा एग्रेसिवली प्रीफर करूंगा। हाँ, मेजर सपोर्ट लेवल तोड़ता है वॉल्यूम के साथ, ठीक है, मैं शॉर्ट करने के लिए तैयार हूँ, बाकी नहीं। बाकी अंडरलाइंग टोन हमेशा क्या रहा है बैंक निफ्टी का भी,
जितना वो नीचे जा रहा है उतना रिकवर होता जा रहा है। अब देखने की बात यह है कि क्या ये लेवल टिका पाता है, वो ऊपर का लेवल ये 37,100 मेजर अचीव कर पाता है कि नहीं कर पाता है, वो सब लेवल पे मेरा ध्यान रहेगा बैंक निफ्टी में भी, पर मेरी स्ट्रेटेजी तो सही है। दूसरा, मैंने बोला था ऑप्शन में जो लोग डेल्टा न्यूट्रल नॉन ड्यूरेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, अभी भी 37,100 का लेवल नहीं टूटा है, अभी भी ये नीचे 36,200 वाला लेवल नहीं टूटा है। ये दोनों लेवल आप मार्क करके पोजिशनल ट्रेडिंग यूज करके थेटा डीके का बेनिफिट लेके आप आराम से प्रीमियम खा सकते हो बैंक निफ्टी में एक रेंज बना के। अगर आपको ज्यादा एनालिसिस नहीं करना, खामखा डायरेक्शनल ट्रेडिंग में आपको नहीं पड़ना, अपने आप को बचा सकते हो, प्रीमियम खा सकते हो, अच्छी इनकम कमा सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट, सिंपल चीज में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, आई होप कि इतना सेटिस्फेक्ट्री होगा एनालिसिस करना। अब बात करते हैं कि कल अपने इंडसइंड बैंक एनालिसिस किया था, याद है? आज ही मैंने बोला था कि हम लोग शायद एक दिन लेट हो गए पे, फिर भी मैंने बोला था कि आप इसको वॉच लिस्ट में रखो। क्या था कि 1028 के ऊपर उसने क्लोज किया था ब्रेकआउट मार के, तो मैंने बोला था कि जब तक ये लेवल टिक जाता है 1028-19 का, तब तक वो ऊपर जाएगा। आज उसने लो कितना मारा था, 1027.50 का लो मारा था और बाद में ऊपर ही गया था। देखो कि ये सब मुझे प्रिडिक्शन करना स्पेकुलेशन करना कोई जरूरत है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। चार्ट अपने को बताता है, जब तक अपने 60% भी सही रहते हैं ना मार्केट में एनालिसिस करने के अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ, तो भले मैं 40% टाइम गलत हूँ, भले मेरा 40% टाइम स्टॉप लॉस हिट होता है, मैं अगर 60-65% भी मेरा सही एनालिसिस होता है ना, तो भी मैं जीत जाऊंगा। तो मैं आपको ये प्रूफ के साथ हर दिन बताए जा रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ वॉच लिस्ट में सेव करो, ट्रेड मिलता है नहीं मिलता है वो अलग बात है, पर आप सीखो कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी भी जब तक ये लेवल सर्वाइव करके वो रखता है ना, तो उसमें अच्छी खासी ऊपर की मूवमेंट आएगी। जब तक ये लेवल तोड़ेगा तो करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाकी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आता है IRCTC ने थोड़ा सा करेक्शन दिया हुआ है, पर जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग में है वो अभी भी होल्ड कर सकते हैं। दूसरा हैप्पीएस्ट माइंड देख लेते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड में अपने पता है ना 1484 के आसपास जो ब्रेकआउट हुआ था उसमें अपने ट्रेड लिया था, तो आज भी वो बहुत ऊपर जाके थोड़ा करेक्शन हुआ है, पर अभी भी जब तक वो मेजर एक सपोर्ट लेवल नहीं तोड़ता है तब तक वो ऊपर ही जाएगा, ये भी आप देख लेना, ठीक है। दूसरा मैट्रिमनी, मैट्रिमनी में ब्रेकआउट मिला है कि नहीं मिला है अपने को जो चाहिए था वो भी देख लेते हैं। तो मैट्रिमनी में खास उतना ब्रेकआउट नहीं मिला है अपने, अभी भी वेट करेंगे उसका अच्छा ब्रेकआउट मिलने के लिए और अच्छा ट्रेड लेने के लिए, ये भी वॉच लिस्ट में कंटिन्यूस करना आप लोग, ठीक है। IRB में भी अभी हम वेट कर रहे हैं कि ब्रेकआउट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। L&T में एक मुझे आज पैटर्न देखने को मिल रही है, तो सोचा आपके साथ डिस्कस कर दूं। देखो L&T में यहाँ पे 1 आवर के कैंडल में 1718 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1718, ठीक है। फिर यहाँ पे जो कैंडल आई थी वो थे 1716 वन आवर के कैंडल, और यहाँ पे क्या हो रहा है देखो 1724 तो ये सब चीजें क्या दिखा रही है कि कहीं ना कहीं ये हाई तोड़ने की ये कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर 1724 के ऊपर ये टिक जाता है, नीचे नहीं आता है अच्छी तरह से, हम इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते, अच्छी पैटर्न बनने जा रही है, इसको वॉच करना अच्छी तरह से, पर इसको 1724 का लेवल तोड़ने देना ऊपर के साइड, बाद में ट्रेड लेना, उसके पहले ट्रेड मत लेना, वो भी सेफ्टी के साथ अच्छी तरह से ट्रेड लेना। अगर आप स्टॉप लॉस सोच रहे हो तो वही ये सब जो कैंडल है ना जहाँ पे अच्छी खासी बीडिंग आई है, जैसे कि 1710 का मैं स्टॉप लॉस रख के चल सकता हूँ क्योंकि वहां से अच्छी खासी मूवमेंट आई थी, ठीक है। इस तरह से स्टॉप लॉस भी आप डिसाइड कर सकते हो, पर थोड़ा उसको ब्रेक होने देना। जैसे यहाँ पे अचानक ये देखो ये सब वॉल्यूम कैंडल अचानक बड़ी है, तो अभी मुझे और थोड़ा यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए जब ये ब्रेक करेगा 1724 को, ठीक है। पर ये वॉच लिस्ट में रखो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो वॉच लिस्ट में रखो, नो नीड टू वरी अबाउट, पर देखते रहो। आज भी मैंने एक स्टॉक बता दिया और काफी सारा गाइडेंस बैंक निफ्टी और निफ्टी में दे दिया, इस सीरीज कंटिन्यू करना वॉच करने के लिए। कुछ ही महीनों में काफी सारी आप में एक्सपर्टाइज आ जाएगी। कोई भी क्वेश्चन है तो ईमेल या व्हाट्सअप कर देना, नो नीड टू वरी अबाउट इट। और हर बार की तरह बोलता हूँ, एक सच्चा जेन्यून ट्रेडर बनना है लॉन्ग टर्म के लिए विदाउट एनी शॉर्टकट, तो पैसा तो बनेगा कि साइट विजिट कर लो या तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लो। काफी सारे कोर्सेज मैंने फ्री रखे हैं 1 लाख रुपए के 1.5 लाख रुपए के, जो नए लोगों को काम आ जाएंगे। और बाद में मैंने सब ऑप्शन इंट्राडे ऑप्शनल पोजीशन कमोडिटी ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग की सब स्ट्रेटेजीज वहां पे डाली है। लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस के साथ फोकस करोगे तो सक्सेस आपके पीछे आ सकती है। स्पेकुलेशन करोगे और जल्दी पैसा बनाना है विदाउट एनी स्ट्रेटेजी और रिस्क मैनेजमेंट, तो पैसा नहीं बन सकता, ठीक है।
मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, सजेशन देते रहना, इन्वॉल्व होते रहना मेरे साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।